Hello student, welcome to my channel Bharat Academy, and during this session we will discuss minors, cofactors, adjoint and inverse of a given matrix. देखिए पहले ले लेंगे 2 by 2 matrix. देखिए suppose this is your matrix 2, -3, 4, 5. There are 2 rows and 2 columns. Its type is 2 by 2. This is an square matrix. देखिए माइनस निकाल रहा हूँ सबसे पहले. This is denoted by MIJ. MIJ means minor of any element AIJ. ये निकलता कैसे ये देखिए. Determinant obtained after deleting ith row and jth column. जो भी डिटरमिनेंट मिलेगा हम उसको माइनर बोलेंगे. देखिए जैसे इस 2 का माइनर निकालना है, इसको हम मैं बोलूँगा M11 मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट A11 विच इज 2. ये कैसे निकलेगा? डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. कैसे इसको जरा देखिए कैसे कर सकता हूँ. इसको फिर से लिखिए 2, -3, 4, 5. तो इस 2 का मुझे माइनर निकालना है. तो देखिए इसको सर्किल कर दीजिए. डिलीटिंग फर्स्ट रो, इससे जो वो गुजर रही है इसको डिलीट कर दीजिए और इसको कॉलम को डिलीट कर दीजिए. तो वट एवर रिमेन्स इट्स डिटर्मिनेंट. ये 5 बच जाता है, 5 का डिटर्मिनेंट जो कि 5 ही होता है. इसी तरह से M12 means minor of element A12. A12 यहाँ है तुम्हारा -3. तो इसमें क्या डिलीट करेंगे? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. देखो इसको फिर से लिखो 2, -3, 4, 5. इसका माइनर हम निकालने जा रहे हैं. तो डिलीटिंग इट्स रो, इट्स रो इज दिस फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. वट एवर रिमेन्स दिस इज 4. इट्स डिटर्मिनेंट इज 4. अब आ जाइए नेक्स्ट रो पे. M21 मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट A21. A21 यहाँ क्या है? 4. तो कैसे होगा? डिलीटिंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. डिलीटिंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो यू विल गेट दिस वॉज 2, -3 एंड दिस वॉज 4, 5. इसका निकाल रहे हैं आप. इसको सर्किल कर दीजिए. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. वट एवर रिमेन्स इट्स डिटर्मिनेंट. -3 का जो डिटर्मिनेंट होगा दिस इज -3. सिमिलरली लास्ट माइनर M22. दिस इज M22. दिस इज माइनर ऑफ एलिमेंट A22. तो इसमें सेकेंड रो A22 मीन्स 5 का, ये 5 का सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. तो डिलीटिंग सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. तो दिस वॉज 2, -3 एंड दिस इज 4, 5. इस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का ये इसको सर्किल कर दीजिए. इसका सेकंड रो डिलीट कर दीजिए, इसका सेकंड कॉलम डिलीट कर दीजिए. वट एवर रिमेन्स दिस इज 2. इट्स डिटर्मिनेंट 2 का डिटर्मिनेंट 2. तो इस तरह से आपने देखा कि इस 2 by 2 मैट्रिक्स में, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स थी, हर एक एलिमेंट का हमने माइनर निकाला. नंबर ऑफ माइनर्स जितने होंगे, जितने एलिमेंट होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में, उतने ही माइनर्स निकलते हैं. हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है. कहने का मतलब यह है दिस इज माइनर. नाउ नेक्स्ट इज कोफैक्टर.
देखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही उनके कोफैक्टर्स निकलेंगे। कहने का मतलब, जैसे माइनस निकाले हमने अलग अलग एलिमेंट के, वैसे ही अलग अलग एलिमेंट के हमने कोफैक्टर निकालने। कोफैक्टर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सी आई जे। जैसे मैं बोलूं दिस इज कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, इसका फॉर्मूला है सी आई जे, जो कोफैक्टर है ए आई जे एलिमेंट का, इट्स फॉर्मूला इज -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे, इट्स माइनर ऑफ ए आई जे एलिमेंट। देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं, इसकी वैल्यू एम आई उसके माइनर के बराबर हो सकता है इफ आई प्लस जे जो तुम्हारा दोनों को जोड़ के आए, इफ इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर होगा, -1 की पावर इवन नंबर, यू नो -1 रेज टू द पावर इवन नंबर, इट्स +1। इसी तरह से इसकी वैल्यू माइनस एम आई जे भी हो सकती है, इसको फैक्टर की, ये सी आई जे की वैल्यू। इफ आई प्लस जे जो मैं पावर में कर रहा हूँ -1 की पावर, इफ इट इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर। कहने का मतलब, -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो ये हमेशा नेगेटिव होता है कि नहीं होता है -1, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। कहने का मतलब, जैसे सपोज करो मैं बोलूँ C12 निकालिए, ये है कोफैक्टर ऑफ A12 एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ A12, तो इट्स फॉर्मूला विल बी -1 रेज टू द पावर आई इज 1, जे इज 2, 1 प्लस 2 और M12, तो दिस इज एन ऑड नंबर, इट्स फॉर्मूला विल बी -M12 C12 जो कोफैक्टर है। इस तरह से C22 बोलेगा तो यह है कोफैक्टर ऑफ A22 मीन्स -1 रेज टू द पावर आई इज 2, जे इज 2, तो 2 प्लस 2, दिस इज एन इवन नंबर और दिस इज M22 माइनर ऑफ A22, तो इन दिस केस इट विल बी +M22। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। सपोज करो दिस इज C11 को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 जो कि यहाँ पे 2 है, तो इसका जो माइनर था M11 दैट वाज 5, लेकिन को फैक्टर यहाँ ये यह हो जाएगा इस फॉर्मूले से, -1 की पावर यहाँ आई इज 1, जे इज 1, तो 1 प्लस 1 M11, वैल्यू ऑफ M11 वाज 5, तो इट्स इवन नंबर, तो ये दिस इज M11 विच इज 5, 2 का जो को फैक्टर्स है दिस इज 5। सिमिलरली C12 को फैक्टर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट A12 विच इज -3, इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, आई इज 1, जे इज 2, तो -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 M12, M12 की वैल्यू मेरी थी 4। तो इसी तरह से -1 की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा, -M12 विच इज -4। सिमिलरली C21 को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 विच इज 4, जो कि 4 है यहाँ पे, ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर आई इज 2, जे इज 1 और M21, तो -1 रेज टू द पावर 3, दिस इज ऑड, दिस इज अगेन -M21, तो इट्स वैल्यू वाज -3, -3, दिस इज +3। और C22 को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 विच इज 5 हियर, तो दिस इज -1 रेज टू द पावर आई इज 2, जे इज 2, 2 प्लस 2 विच इज इवन, और M22, तो -1 की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा M22, तो M22 वॉज योर 2, तो दीज आर 2, तो ये को फैक्टर्स भी निकल गए आपके। देखिए, थर्ड है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए कैसे निकालते हैं, अभी हमने निकाले इनके कोफैक्टर्स,
कोफैक्टर हमने अभी निकाले, C11 वाज 5, C12 इज माइनस 4, C21 दिस इज 3 एंड C22 दिस इज 2। ये कोफैक्टर हमने निकाले थे इसके। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो सी को अगर हम कह दें कि इफ सी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ये हो जाएगा इसमें 5 माइनस 4 और 3 और 2, ये तो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हो गया। लेकिन जो एडजॉइंट होगा, जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज, इट्स ट्रांसपोज, तो इट विल बी लाइक दिस 5 माइनस 4 और 3 2, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, और लास्ट इज इनवर्स, इनवर्स इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, ए इनवर्स इट्स फॉर्मूला इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने निकाल दिया, ये मैट्रिक्स वो थी, डिटर्मिनेंट निकालना। अब ये देखिए, डिटर्मिनेंट की एक डेफिनेशन है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ए ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, यहाँ देखिए इसको दो बार के बीच में रख दीजिए पूरे स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, 2 माइनस 3 और 4 5, इसको डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट पॉजिटिव, अपवर्ड करेंगे तो यू विल गेट नेगेटिव। तो 2 इंटू 5 ये तो पॉजिटिव होता है, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 3, तो यू गेट 10, माइनस माइनस प्लस चाहते हैं 12, 10 प्लस 12 दिस इज 22। अब देखिए सिंपली ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए वाज 5 3 माइनस 4 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज 22। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 22 5 3 माइनस 4 2, इस 1 अपॉन 22 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस, 5 अपॉन 22 3 अपॉन 22 माइनस 4 अपॉन 22 और 2 अपॉन 22, तो दिस इज योर इनवर्स। दैट्स इट। If you have found this video interesting and helpful, then please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.